आप जुड़े हैं द कश्मीर वाला के लाइव के साथ और अभी हम आप तक और एक दुख भरी खबर पहुंचा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले काफ़ी वक्त से हम ऐसे जुर्म देख रहे हैं, ऐसे जराइम देख रहे हैं कश्मीर के अंदर जो हमने कभी देखे भी ना थे। काफ़ी सारे सेक्स रैकेट्स यहाँ पे पकड़े गए, यहाँ काफ़ी कत्ल हुए, लेकिन उसके बावजूद आज श्रीनगर की काकसराय में एक ऐसा वाक़ा पेश आया है जहाँ पर एक लड़की ने एक लड़के को छुरी से हमला किया, उसके एब्डोमेन में छुरी लगाई और उसके बाद लड़के को जख्मी कर दिया। नाज़रीन, अभी ये रिपोर्ट जो है आज दोपहर श्रीनगर के काकसराय में पेश आया है जहां पर एक लड़की ने लड़के को उसको छुरी लगाई है उसके पेट पर, उसके बाद वो वहां से जाए वारदात से बागी है और लड़के को वहीं पे छोड़ा है। उसके बावजूद उस लड़के को जो है नज़दीकी अस्पताल SMHS शिफ्ट कर दिया गया है, जहां डॉक्टर्स ने ये कहा गया है कि अभी उसकी हालात स्टेबल है, लेकिन उसके पेट पे जो है काफ़ी ज़ख्म है, काफ़ी गहरा ज़ख्म है। इस लड़के का नाम जो है आदिल अहमद, जो बेमिना का रहने वाला है, बेमिना का रिहाइश है ये कहा जाता है। उसके बावजूद जो दीगर उसकी ज़ैर इलाज है वो भी अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट है SMHS हॉस्पिटल में। फ़िलहाल वहाँ के SMHS हॉस्पिटल के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिफ अहमद है, उनका ये कहना है कि अभी जो लड़का है जिसका नाम आदिल अहमद के बतौर शनाख्त की है, उनका कहना है कि अभी वो स्टेबल है, उसकी हालात स्टेबल है, लेकिन उसके पेट पे छुरी के निशान है और छुरी से उसके पेट को हमला किया है। ये दरिश्कदल काकसराय में ये वाक़ा पेश आया है और उसके बाद वो लड़की जो है जाए वारदात से बागी है और फिलहाल उसकी तहकीकात जो है चल रही है कि जल्द अज जल्द उस लड़की को पकड़ा जाए। फिलहाल कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है कि ये लड़की जो है उसकी फियांसे थी, मंगेतर थी उसकी, इनकी एंगेजमेंट जो है हुई थी, लेकिन रीज़न क्या है, वजूहात क्या है, क्यों वो एक कत्ल करने पर मजबूर हो गई, अभी तक ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसने छुरी से उसके पेट पर हमला किया था तो वहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि उसकी डेथ भी हो सकती थी। लेकिन फिलहाल अभी तक इनिशियल रिपोर्ट्स हम तक यही पहुँचे हैं कि अभी उनकी हालात स्टेबल है, अभी उन पर कोई भी ऐसा डॉक्टर्स का ऐसा कहना नहीं है कि हालात ख़राब है, फिलहाल हालात स्टेबल है, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि वहाँ पर कुछ उसकी डेथ भी हो सकती थी। नाज़रीन, ये पहला केस नहीं है, पिछले काफ़ी वक्त से हम कंटिन्यूसली यही खबरें सुनते हैं, जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं चोरी के वारदात, कत्ल के वारदात, इसके बावजूद ड्रग एडिक्शन के वारदात, हम यही वारदात देख रहे होते हैं। कहीं ना कहीं लोगों पे भी वो स्ट्रेस आ गया है कि हम अगर बाहर निकलते हैं तो कोई मसले मसाइल ना हो जाए। तो फिलहाल ये रिपोर्ट जो है श्रीनगर से हम पहुंचा रहे थे कि श्रीनगर की काकसराय में आज एक लड़की ने एक लड़के को छुरी से हमला किया और फिलहाल उसको SMHS हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वो उसकी फियांसे है, वो उसकी मंगेतर है। क्या उनमें लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, क्या मसला होगा, फिलहाल अभी वो हम तक रिपोर्ट नहीं पहुंचा है। जो इनिशियल रिपोर्ट थी वो हमने आप तक पहुंचाई है। फिलहाल यही उम्मीद करते हैं कि वो लड़का अभी स्टेबल हालात में है और जो भी रिपोर्ट आते हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहे द कश्मीर वाला के साथ, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।